तुम्हारी अलमारी के राइट वाले दराज में तुम्हें एक स्वारोस्की का बॉक्स दिखेगा। उसमें एक नेकलेस है, तुम्हारे जन्मदिन पर गर्विट ने तुम्हें उपहार में दिया था। ये कहने के बाद आशना थोड़ा रुकी और उसके बाद वापस से अपना मुंह खोलते हुए बोली, बुधवार को मैं बड़े राजमहल गई थी। गर्विट के दादाजी ने मिलने के लिए बुलाया था। मैंने उन्हें परसों के लिए डिनर पर जाने का वादा किया है और उन्होंने मेराकी रेस्टोरेंट से मोमोज लाने को कहा है, भूलना मत। संजना और गौरी गुप्ता दोनों ही बहुत ध्यान से आशना की बात सुन रहे थे और मन ही मन सारी श्रृंखला को जोड़ते जा रहे थे, क्योंकि अब आगे का काम संजना को जो निभाना था। ओ हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई, गर्वित अभी जयपुर में है। कल रात को उसका एक्सीडेंट हो गया था। दो छोटे बच्चों को बचाते बचाते वो खुद नदी में जा गिरा था और नदी में बह गया था। वो अभी जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती और कोमा में है। जब मैं जयपुर से जोधपुर वापस आ रही थी तब मैंने सूरज को मैसेज करके पूरी घटना बता दी थी और वो भी अब तक जयपुर पहुंच गया होगा और गर्वित का ध्यान रख रहा होगा। मैंने सूरज को यही बोला कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना होगा, और इसके बाद मैं वहां से निकलकर जोधपुर आ गई थी। जैसे ही आशना के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वो अपने दिमाग में सोचने लगी कि क्या कोई और ऐसी चीज रह तो नहीं गई जो उसने संजना को नहीं बताई है। जब आशना को पूर्ण विश्वास हो गया कि उसने सब कुछ संजना को बता दिया है, तो आशना के मुंह से हो गया बस इतना ही था बाहर आया और उसकी नजर टेबल पर पड़े एक लिफाफे पर पड़ी जिसमें खूब सारा पैसा पड़ा था। और आशना ने तुरंत संजना से पूछा, क्या ये मेरे पैसे हैं? हाँ। संजना इस बात से पूरी तरह हैरान थी कि आशना ने कमरे में प्रवेश करने के बाद सब कुछ बहुत आत्मविश्वास से संभाल लिया था। थोड़ा हिचकिचाते हुए संजना ने उस लिफाफे को आशना की तरफ बढ़ाया और कहा, हर गड्डी में 2-2 लाख रुपए हैं, तुम गिन सकती हो। आशना ने तुरंत ही उस लिफाफे को उठाया और बाय कहते हुए पीछे मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकलने लगी थी। आशना का कोई इरादा नहीं था वहां पर और रुकने का। अभी आशना दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी संजना के मुंह से कुछ शब्द बाहर आए, मिस आशना एक मिनट रुको। आशना के बढ़ते हुए कदम अचानक रुके, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा बल्कि उसने अपने बैग को नीचे रखा और उसे खोलते हुए लिफाफे में रखी सारी गड्डियों को अपने बैग में डालने लगी थी। संजना शांति से सोफे पर ही बैठी हुई थी। संजना ने अपना पर्स खोलते हुए उसमें से एक और लिफाफा बाहर निकाला जिसमें एक और पैसे की गड्डी थी और उसे गौरी गुप्ता को थमाते हुए कुछ ऐसे संकेत दिए जैसे मानो गौरी गुप्ता को पता था कि उसे क्या करना है। गौरी गुप्ता ने अपना सर हिलाते हुए संजना के हाथ से उस लिफाफे को ले लिया और अपनी हाई हील्स की टक टक की आवाज के साथ आशना की तरफ बढ़ने लगी थी। आशना के थोड़ा करीब पहुंचने के बाद गौरी गुप्ता ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ये भी लो, संजना चाहती है कि तुम इसे भी रखो। संजना तुम्हारी मदद की सराहना करती है, तुमने बिना कोई गलती किए सारा काम बहुत अच्छे से किया है, और तो और किसी को इस बात के बारे में पता भी नहीं चलने दिया। संजना को उम्मीद है कि इस कमरे से निकलने के बाद तुम सब कुछ भूल जाओगी, जैसे तुम कभी गर्वित से मिली ही नहीं थी। आशना जो अपने बैग में उस पहले वाले लिफाफे के पैसे को खाली कर रही थी, जैसे उसने गौरी गुप्ता के मुंह से ये शब्द सुने उसके हाथ कांप उठे थे। आशना का पूरा ध्यान गौरी गुप्ता के मुंह से निकले आखिरी शब्दों पर ही गया था। आशना ने ना तो गौरी गुप्ता की तरफ देखा और ना ही उसके मुंह से कोई शब्द बाहर निकले थे। इसके अलावा गौरी गुप्ता ने ध्यान से बोलना शुरू किया, ये मेरा फैसला था कि तुम हमारे शुरुआती समझौते के दौरान गर्वित के साथ छोटे राजमहल में रहो। हमने नहीं सोचा था कि गर्वित तुम्हारे साथ बिस्तर में सोएगा और तुम्हें तुम्हारी वर्जिनिटी खोनी पड़ेगी, इसलिए उस बात के लिए हम तुमको अतिरिक्त भुगतान करना चाहते हैं। उस बात के लिए अतिरिक्त भुगतान? आशना को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा रख दिया। आशना का चेहरा अभी भी नीचे था और पूरा का पूरा फीका पड़ चुका था। जिस हाथ से वो लिफाफे के पैसों को अपने बैग में डाल रही थी वही हाथ पूरी तरह से कांप उठा और वो पैसे आशना के हाथ से नीचे जमीन पर गिर गए थे। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन संजना और गर्वित दोनों कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। वो दोनों एक कपल हैं। भले ही तुमने गर्वित के साथ सेक्स किया, लेकिन उसका उन दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता से कोई लेना देना नहीं है।
तुमने तो उनकी शादी में एक अतिरिक्त संजना का किरदार निभाया। तुम इतने महीनों से संजना का किरदार निभा रही हो और तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। अब संजना इस बात के लिए तुम्हें अच्छा महसूस करवाना चाहती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि संजना एक अच्छी महिला है और चूंकि तुम अभी बहुत जवान हो इसलिए वो ये नहीं देखना चाहती कि तुमने बिना किसी अतिरिक्त मुआवजे के गर्वित के साथ सेक्स किया। गौरी गुप्ता की बात को सुनते सुनते आशना अपना बैग पैक कर चुकी थी और खड़ी हो चुकी थी। आशना ने एक बार फिर मुड़ते हुए गौरी गुप्ता के हाथ में थामे उस लिफाफे की तरफ नहीं देखा था, बल्कि आशना ने अपने हाथ में कुछ रुपयों की गड्डी पकड़ी हुई थी और उसे गौरी गुप्ता को थमाते हुए बोली, तुमने 4 लाख रुपए मुझे ज्यादा दे दिए, ये लो। आशना की इस हरकत ने गौरी गुप्ता की बोलती बंद करवा दी थी। गौरी गुप्ता सकपका गई थी कि अचानक ये सब क्या हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि आशना इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देगी। गौरी गुप्ता के मुंह में काफी शब्द थे जो वो बोलना चाहती थी, लेकिन आशना की इस प्रतिक्रिया ने उसे बर्फ की तरह जमा दिया था। आशना की प्रतिक्रिया पर गौरी गुप्ता अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, आशना ने उन रुपयों को गौरी गुप्ता के हाथ में दे दिया था। उसके बाद आशना अपने बैग को खींचते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर उस कमरे से बाहर निकल गई थी। अगर वो पैसे आशना के होते तो वो पक्का ले लेती, लेकिन चूंकि वो पैसे ज्यादा थे जिनकी बात भी अभी नहीं हुई थी, इसलिए आशना ने उन पैसों को लौटा दिया था। संजना के उस सेक्स वाले भुगतान के पैसों की तरफ तो आशना ने देखा भी नहीं था। शुरुआत में आशना ने संजना के उस शुरुआती प्रस्ताव को मान लिया था, क्योंकि उसके पिता जुए में बहुत सारा पैसा हार चुके थे और लगा भी चुके थे। आशना के घर की हालत बहुत ही खराब चल रही थी और कुछ वजह से यह भी था कि आशना गर्वित के करीब जाना चाहती थी और उसके लिए इससे अच्छा मौका 8 साल बाद और मिलने वाला नहीं था। इस तथ्य के बावजूद भी आशना को 8 साल पहले से गर्वित से प्यार हो गया था और 8 साल बाद उसने गर्वित के साथ सेक्स किया था, लेकिन जो भी किया था उसने ये सब अपनी मर्जी से और अपनी खुशी के लिए किया था। आशना को किसी की सहानुभूति और मुआवजे की कोई जरूरत नहीं थी और निश्चित रूप से उसे गौरी गुप्ता के अपमानजनक शब्दों और उसकी निजी जिंदगी पर आक्रामक हमलों की भी कोई जरूरत नहीं थी। आशना स्पष्ट रूप से जानती थी कि संजना गर्वित की कानूनी बीवी है, इसलिए जब उन्होंने आशना की अनिच्छा के बावजूद किरदार बदलने को कहा तो भी बिना किसी झिझक के और शिकन के आशना ने यह कर दिया था। आशना के अपने भी कुछ सिद्धांत थे और नैतिकता थी जिसे कोई भी खंडित नहीं कर सकता था, और वो किसी को भी अपने निजी जिंदगी में घुसने और उसकी इज्जत को खराब करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देती, भले ही वो कितनी भी गरीब क्यों ना हो और उसे पैसों की कितनी भी जरूरत क्यों ना आ जाए। आशना झुकने वालों में से नहीं थी। रोटी के 2 निवाले वो कम खा सकती थी, लेकिन इज्जत का निवाला उसके चरित्र से कभी कम नहीं हो सकता था। जब आशना उस कमरे से बाहर निकली थी तो उसकी पीठ सीधी थी, ना तो वो विनम्र लग रही थी और ना ही अभिमानी। लेडीज क्लब से बाहर निकलती आशना रोड पर जा पहुंची तो उसने आवाज लगाते हुए एक टैक्सी को रोक दिया था। जब उस टैक्सी ड्राइवर ने आशना से पूछा कि उसे कहां जाना है तो बिना कुछ बोले बस आशना पीछे वाली सीट पर बैठ चुकी थी। अगर आशना ने गौरी गुप्ता और संजना की वो बातें और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी होती तो आशना ने अपना मन जयपुर जाने का बना रखा था। वो किरदार बदलने के बाद गर्वित को देखने के लिए जयपुर जाने वाली थी और इस बार संजना बनकर नहीं बल्कि आशना बनकर वो गर्वित को चुपके से देखने वाली थी। जब आशना अस्पताल से निकली थी तब गर्वित कोमा में ही था। गर्वित का ऑपरेशन तो सफल हो गया था लेकिन वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं आया था। आशना जानना चाहती थी क्या गर्वित कोमा से बाहर आ गया है, क्या उसे होश आया है या नहीं, लेकिन अब आशना को लग रहा था कि इस सब चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है। सूरज गर्वित के साथ था तो गर्वित को आखिर क्या हो सकता था। शायद गर्वित को होश आ गया हो या नहीं आया होगा, लेकिन अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की टीम उसके साथ होगी। जब आशना गर्वित के सामने संजना बनकर थी, जिसके परिवार का स्टेटस अच्छा था, पैसे वाले लोग थे, तब गर्वित को संजना से प्यार नहीं हुआ तो आशना का परिवार तो गर्वित की दुनिया से ही अलग था। अगर वो आशना बनकर ही गर्वित को अपने प्यार का इजहार करती तो उसके लिए तो शायद वो सब मायने ही नहीं रखता। अरे मिस, आपको कहां जाना है? जब टैक्सी ड्राइवर को आशना के मुंह से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने आशना से दोबारा पूछा।
टैक्सी ड्राइवर के दोबारा से वही प्रश्न पूछने से आशना हकीकत की दुनिया में वापस लौट आई थी, और थोड़ा सोचने के बाद आशना के मुंह से शब्द बाहर निकले, लोयला यूनिवर्सिटी। उस रात जब आशना के भाई अंकित ने उसे उसके जन्मदिन का तोहफा दिया था, तब आशना ने अपने भाई अंकित से वादा किया था कि जिस दिन वो संजना के किरदार से बाहर आ जाएगी, तब फिर से अपने उन कोर्सेज की तरफ ध्यान देगी जो उसने संजना के किरदार निभाने के लिए बीच में ही छोड़ दिए थे। अब आशना पूर्ण रूप से अपने खुद के किरदार में आ चुकी थी। अब उसके पास पैसा भी आ गया था और उसके पिता द्वारा चढ़ाए गए सारे कर्जे उतर सकते थे। उसकी जिंदगी से प्यार और बिछड़न, उसके बाद मिलन, बिछड़न और धोखा खाने के बाद प्यार का भूत पूरी तरह से निकल चुका था, और अब उसे अपने आगे आने वाले जीवन के लिए अपने भविष्य को संवारना था। आशना ने ध्यान से सोचा, जो नई जिंदगी की शुरुआत जो वो करने जा रही है, वो उसके संजना के किरदार निभाने वाले दिनों से काफी अच्छी होगी। नया जीवन, नए लोग, नई उम्मीद और क्या नया प्यार। हालांकि आशना को किसी खुशी का कोई एहसास नहीं हो रहा था, और ना ही कहीं वो अपने दिल में असीम खालीपन को अनुभव कर रही थी, जैसे मानो उसके दिल का बड़ा सा टुकड़ा कहीं गायब हो गया हो। लोयला यूनिवर्सिटी उस लेडीज क्लब से काफी दूर थी। कार की खिड़की से आशना जोधपुर शहर को आज संजना बनकर नहीं बल्कि आशना बनकर देख रही थी। ढलते हुए सूरज को देखकर आशना को महसूस हुआ कि उसका प्यार भी पूरी तरह से ढल गया था, लेकिन आशना को अपने दिल में दर्द का आभास हो रहा था। अंत में आशना वापस से उदास हो गई थी, और उदास होना लाजमी भी था। आशना ने 8 सालों तक गर्वित का इंतजार किया था, उससे प्यार किया था, लेकिन अब उसका अंत आ चुका था। हालांकि आशना को बहुत ज्यादा दर्द या दुख महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर था। जैसे ही गर्वित के मुंह से वो चीखने वाली आवाज निकली, सूरज का हाथ कांप उठा था और फोन उसके हाथ से एक जोरदार आवाज निकालते हुए जमीन पर गिर गया था। क्या होगा जब गर्वित अपने सामने आशना को नहीं बल्कि सूरज को देखेगा? गर्वित का पहला सवाल क्या होगा ये तो आप जानते हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब सुनकर गर्वित की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या गर्वित सूरज को हर सच्चाई बताएगा और आशना को ढूंढने के लिए कहेगा? क्या आशना गर्वित को मिलेगी? सबसे बड़ी बात, क्या आशना अब गर्वित से मिलना भी चाहेगी? क्या 8 साल के प्यार को आशना इतनी जल्दी अलविदा कह देगी? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए ये प्यार नहीं आसान सिर्फ